चलो चलो शाम होने ही वाली है, जल्दी जल्दी साइकिल लेके चल। अरे ये साइकिल खच्चर चल से खराब हो भाई, मेरे परदादा की साइकिल है, मेरे घर वाले इतने गरीब है कि नई साइकिल चलाते भी नहीं, अब मैं खेलने भी नहीं जा पाऊंगा, अब मैं क्या करूँ। क्या हुआ चाचा जी? तेरे को क्या हुआ सिंचन बेटा? चाचा जी मेरी साइकिल वापस से खराब हो गई, आप मेरे को नई साइकिल दिलाओ। अरे सिंचन बेटा बहुत ज्यादा तंगी चल रही है और मैं 2 दिन से काम पर भी नहीं गया। क्यों चाचा जी? अरे तबीयत खराब है, बताया तो था तेरे को, अब क्या करूँ। तेरी साइकिल के लिए मेरे को ऑटो चलाना पड़ेगा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। एक काम कर, आज 2 ऑटो लेके चले जा और थोड़ी बहुत कमाई कर ले, और इतनी कमाई कर लियो जिससे साइकिल आ जाए। चाचा जी ठीक है। तो चाचा जी ने मेरे को बोला कि उनकी ऑटो लेके चले जा, मैं पहली बार चाचा जी के ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन मुझे इनकी ऑटो चलानी आती है क्योंकि मैं इनके साथ पूरा शहर घूम चुका हूँ। तो ये है चाचा जी की ऑटो, काली रंग की है, क्या कोई बात नहीं, चाचा जी का शौक ही ऐसा है। और ये ऑटो लेके अभी हम लोग खेलेंगे, कस्टमर्स ढूंढेंगे, एंड इतना कस्टमर ढूंढे कि मैं अपनी नई साइकिल ले आऊं और दोस्तों के साथ खेलने जा सकूं। तो चाचा जी ने कैसे अमेरिकन चीज करवा रखी है, ऑटो के पीछे स्पीकर्स लगे हुए हैं, ऑटो लाल और काले रंग की मिक्सचर है, और सीट थोड़ी ठीक ठाक है, कम्फर्टेबल ऑटो है, मेरा तो काम चल जाएगा। मेरे को ऑटो चलानी आती है तो मैं बैठ जाता हूँ। अभी मैंने ऑटो में चाबी लगा ली है और यहाँ पे ऑटो चलनी भी शुरू। चलो तो अब यहाँ पे मैं फाइनली ऑटो को मेन रोड पे लेके चलता हूँ, धीरे धीरे चलाता हूँ क्योंकि अभी तो आदत हुई नहीं है। अरे इस ऑटो को सीधा लेके चलते हैं और यहाँ से लेके चलते हैं और अपना पहला कस्टमर ढूंढते हैं। खैर ऑटो को चलाना उतनी भी बड़ी बात नहीं और मैं इतना भी कुछ खास नहीं। खैर राइट चलिए, लेफ्ट चलो, राइट की तरफ तो हाईवे है, जाओ तो मुझे पता है, तो चलो लेफ्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ पे ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, वहाँ पे गांव वाले भी मिलेंगे जिनको शाम के टाइम पे अपने काम पर जाना होता है और कुछ लोगों को अपने घर जाना होता है, तो यहाँ पे मुझे आराम से ऑटो पैसेंजर मिल जाने चाहिए। चलो यहाँ पे क्या है, ये जगह तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते भी अच्छे से मालूम है। और रही बात रेट्स की, तो वो चाचा जी ने मुझे बता दिए थे, तो ये बंदा खड़ा है जिसको कहीं जाना है। ओए कहाँ जाना है? अरे कैसे चला रहा, कहाँ जाना आपको? अरे बेटा मैं थोड़ा सा पर्स भूल जाऊँ, अभी 5,000 रुपए है मेरे पास और मुझे कुछ खरीदना है बड़ी चीज, तो चलो छोड़ देगा घर यार 5,000 रुपए का तो छुट्टा नहीं है। एक काम करो आप आ जाओ ऐसे ही, ठीक है, किसी का भला करना बुरा नहीं होता, एक कस्टमर को मैं अगर ऐसे फ्री में छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं होगा। अरे बेटा तू तो बड़ा नेक आदमी है, खैर मैं तुझे घर जाके पैसे दे दूंगा। अरे अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अब अंकल को भी जल्दी से छोड़ देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला कस्टमर ही है और ज्यादा दूर भी नहीं है अंकल दधर, यहीं पर सामने नदी के किनारे ही है। अरे ये ऑटो को क्या हो रहा है? अरे ऑटो को, ऑटो चिल्की नहीं रही है, चिल्ला बिजली करा रही है, लगता है ऑटो खराब हो चुकी है। चाचा जी की तरह उनकी ऑटो भी पुरानी है, अब मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मैकेनिक का नंबर तो मैंने शायद मेरे फोन में होना चाहिए, चलो फोन में चेक करता हूँ। हाँ मैकेनिक का नंबर है, तो मैंने मैकेनिक को बुला लिया था, उसने हथौड़ा मार में शुरू कर दिया ऑटो के ऊपर, और ऑटो के ऊपर हथौड़ा मारते मारते वो पता नहीं क्यों उधर हथौड़ा मार रहा था, फिर उसने ठीक कर दिया। वो मुझे रेट बोला 5,000 रुपए, मैं बोला भाई अभी तो मैंने शुरू ही किया है, 5,000 कहाँ से लाऊं, जितनी तो मेरी साइकिल भी नहीं होगी। लेकिन पीछे वाले अंकल ने मेरी मदद कर दी, उनने बोला कि 5,000 मैं देता हूँ और अगर तो मेरे को घर पे पहुँचाने में कामयाब रहा समय पर तो ये 5,000 तुम मत देना, वरना मुझे तू 5 से 6 प्लेट टिप्स दे दियो करियो जब भी इस एरिया में आए। तो चलो चलो जल्दी अंकल को घर पहुँचा देते हैं, पर अंकल की मेकी के लिए तो मैं फ्री टिप लेने ऐसे भी दे सकता हूँ। अंकल यहीं से राइट मुड़े ना? हाँ यहीं से राइट। ओके अंकल का घर जो था पीछे वाली गली में है नदी के किनारे, तो वहीं चलते हैं सीधा सीधा, बहुत तेज ऑटो चलानी पड़ेगी। खैर बच्चों को तो ऑटो चलानी नहीं चाहिए थी, ये बात याद रखना, मेरे पास एक्सपीरियंस है। कहाँ पे अंकल यार आपका? ये बस यही रोक दे, मेरे यार दोस्त खड़े। तो अंकल आप अभी जाइए, ठीक है, मैंने आपको टाइम पे पहुँचा दिया, आपको जब काम होगा तो आप मेरे को बुला लीजिएगा। अरे तो बहुत अच्छा आदमी है यार, पैसे ले दो जा। अरे नहीं जान दो अंकल, आपने बहुत ही मदद कर दी है, अंकल ने पहले ही 5,000 रुपए मेरे को दे दिए हैं, अब मैं उनसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। खैर अभी चलते हैं दूसरा ग्राहक ढूंढ में, और यहाँ से चलते हैं, ये फाटक कैसा है? फाटक से मेरे को पार कराने में डर लगता है। अरे अरे खच्चर ऑटो बिल्कुल फिर से बंद हो गया, चल ही नहीं रहा, चल जा ट्रेन आ रही है, अरे ऑटो चल जा, अरे मरवा ही रहा क्या, अरे अरे बाप रे, मैं तो आज बाल बाल बचा, ये चाचा जी के ऑटो को चलाना मौत से खेलने से कम नहीं है।
लगता है इनका ऑटो पर तेल खत्म हो गया, सुई नीचे आ रही है। शायद उधर तेल बहुत ज्यादा गिर गया था, मैंने देखा था कि सड़क पे तेल गिरा हुआ है। खैर यहाँ पे पंप है तो यहाँ से मैं भरवा लेता हूँ तेल, और ये वाला पंप है चलो यहीं से मैं तेल भरवा लेता हूँ। भैया तेल डाल दो 500 रुपए का। तो तेल मैंने भरवा लिया है भैया, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। 500 रुपए की जगह उसने 499 का डाल के दिया। क्या 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, कोई बात नहीं। अभी मुझे आया है चाचा जी का कॉल, यहाँ पे उनका एक दोस्त है जिसे मुझे यहाँ पे लेने जाना है। अब देखते हैं वो कहाँ पे हमें मिलने वाला है। वो यहीं पे घूमने आए थे और उनको मेरे को उनके घर पे छोड़ना है, और वो शायद चमेली बाग के पास है, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो कहाँ है, कौन है, कौन है? अच्छा आप है, और वो अच्छा रुकिए घुमा के लाता हूँ। चलो ऑटो घुमा लेते हैं। आई मेरी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। आए बेटा क्या चाचा कैसे हैं? क्या तब तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आपको कहाँ जाना है, GPS लगा दिए ना? हाँ बेटा GPS लगा दिया तेरी ऑटो में, 1 नंबर। क्या यहाँ से ले लेता हूँ ब्रिज के नीचे से वापस से ना, ट्रेन में फंस गया तो इतनी बार बचूंगा कि नहीं वो भी नहीं पता। साथ ही साथ ऑटो भी जाएगा और साइकिल भी नहीं मिल पाएगी। अभी तक में से भी कुछ खास कमाई हुई नहीं है। चलो कहाँ से जाना है अंकल? राइट चले जाए। अच्छा राइट से, ठीक है ठीक है। मेरे को लेफ्ट राइट देखने में मुश्किल होती है, अभी थोड़ा बच्चा हूँ ना मैं, अभी बड़ा हो जाऊंगा तो समझ आ जाएगा क्या कैसे करना है। अंकल आप चाचा से कैसे, ये क्या है? अरे पुलिस वाले। अरे बेटा साइड से निकाल ले। अरे रोको रोको गाड़ी रोको, लेफ्ट में लगाओ लेफ्ट में लगाओ। अरे यार लेफ्ट में गाड़ी लगानी पड़ी। हाँ बेटा बच्चों की गाड़ी चला रहा है। हाँ लाइसेंस दिया, और कितने सब्सक्राइबर है तेरे यूट्यूब पे, कितने लाइक्स आते हैं? चल निकल, ऐसे भी मैं बच्चों की गाड़ी चला रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब भी कोई करता नहीं है, मैं क्या बताऊंगा उसको? अब पुलिस वाले भी मेरे पीछे लग गए हैं। खैर वो तो अच्छी बात है, गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं है, मुझे जल्दी से पकड़ लेना पड़ेगा वरना यहाँ पे हमारी जान भी जाएगी, तबला फाइन भी लग जाएगा। आप ये जो वही बात हुई ना, खाया पिया कुछ नहीं आना, ग्लास तोले बारा आना। यहाँ से चलते हैं सीधा हाईवे से भगा कर पुलिस वालों की नजरों से बचकर चलते हैं। वो पुलिस वाला ना मेरी हालत खराब कर देता, देख कर मुझे बहुत बुरा ज्यादा लग रहा था। वो चीजा तेज तेज बताता हूँ, और ये कैसी जगह है? वैसे आज तक मैंने आज तक हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाई, बस साइकिल ही चलाई है। खैर मुझे सावधान रहना पड़ेगा। और ये राइट, तुम लोग के चक्कर में मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है तो सब्सक्राइब कर दो। अरे थुकी कोई नहीं, तुम लोग के चक्कर में मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे बता सकूं कि मेरे सब्सक्राइबर है लाइक कितने हैं, और उसके कारण मेरा कम चलान हो जाता, और अगर सब्सक्राइबर है लाइक कम है तो ज्यादा चलान हो जाता। क्या यही पे जाना है क्या अंकल? हाँ ये रोक दो बस, पर अंकल ये तो बार मेरा गौर यही है। चल बेटा शुक्रिया, चल अब तो फूट ले, तेरे चाचा से मैं पेमेंट का बात कर लूंगा। अरे कई नहीं अंकल, आप पेमेंट ना भी दो तो चलेगा, मैं अभी चलता हूँ, मेरे को अभी और भी कस्टमर से डील करना है, अभी बहुत ज्यादा कमाई बची हुई है। हाँ बेटा तू फूट ले अब यहाँ से, चलता बन और पीछे मुड़ के मत देखना, पुलिस से भी पकड़वा दिया तूने मेरे को ऑलमोस्ट। हाँ है अंकल, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पैसा भी नहीं देते, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा मेरा तेल भी जल गया ऑटो का। अब यहाँ पे मैं कहाँ से तेल भराऊँ? ये रहा, ये कैफे में तेल बार भी है, यहाँ पे मैं तेल भरवा लेता हूँ। तो ये मैंने गाड़ी हाँ लगा दी, 200 का तेल डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास 500 रुपए ही बचे है। ये अरे ये पुलिस वाले कहाँ? अरे ये तो मेरे ही पीछे लगे हुए है, इनको कैसे पता चल गया मैं यहाँ हूँ? पूरा संतोष में यहाँ पे हमारे कैमरास लगे हुए, मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा। भागते भागते मैं हाईवे तक आ चुका हूँ, और अब भी वो पुलिस वाला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, चारों तरफ पुलिस वाले हैं। मैं कहाँ जाऊँ बच के? मुझे ना हाईवे का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे के रास्ते पे सारी पुलिस घूमते रहती है। वापस से चलते हैं, खैर कोई बात नहीं, उनका रास्ता तोड़ने में भी कुछ नहीं जा रहा। अभी चलते हैं यहाँ से ले लेता हूँ इस साइड से, अभी सीधे रास्ते पे आ चुका हूँ। खैर अभी तो कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्या पता कौन कहाँ से आ जाए। तो मैं वहां से बचते बचाते यहाँ तक आ गया, और अभी कोई पुलिस वाला मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, कहीं नहीं पुलिस वाला। खैर अभी तो कोई पुलिस वाला नहीं है, क्या आज के लिए इतना काफी है, और पे चलाना वरना हमारे लिए लेने दे देने पड़ जाएंगे आप फोन। और मेरे को जाना है चांदनी चौक। हाँ तो चलता हूँ ना अंकल, अब पैसे कितने देंगे? पैसे सारे मेरे को जाना है, तेरे को थोड़े जाना है। हाँ तो पैसे कितने देंगे आप? पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा।
गधा देगा, ये कह रहा था कि मैं तेरी और पे चोरी करके चांदनी चौक जाने वाला हूँ, मेरे को पैसे नहीं देगा तू। मजाक में ले रहा है शिनचैन को, आरके में ले रहा है क्या? पुलिस वाले को कॉल कर देता हूँ, बहुत बड़ा क्रिमिनल लग रहा है। तो पुलिस वाले यहाँ पे आ चुके हैं और उन लोग ने बोला कि बहुत शानदार बेटा, तूने एक क्रिमिनल को पकड़ लिया, तेरे सारे ऑटो की गुनाह माफ कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम से तू ऑटो मत चलाना, और यहाँ पे हम देखते हैं कि तेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, उसको भी हम बढ़वाने की कोशिश करेंगे। जो इस वीडियो को देख रहा है उस वीडियो को लाइक जरूर करेगा इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और बोलता है कि ऑटो अभी हम जब्त कर रहे हैं, तेरे घर पे पहुँचा देंगे और इनाम के साथ।